यादव के जो फैंस हैं, तेजस्वी यादव को चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी खबर है, राजद के परिवार के लिए बड़ी खबर है। सर बता दें आपको, तेजस्वी यादव जो है सीबीआई कोर्ट ने उनका जमानत जो है रद्द कर दी है तेजस्वी यादव की। और असल में सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उनकी जमानत रद्द किए जाने को लेकर याचिका डाली थी, जिसे जो है आज मंगलवार को सीबीआई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मौजूद होने के लिए नोटिस भेजा गया था। इसके लिए तेजस्वी सोमवार को ही दिल्ली आए थे। और असल में सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत जो है रद्द करने का अनुरोध अदालत से किया था। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान जो है सीबीआई ने तेजस्वी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को पढ़ा और कहा कि सीबीआई को धमकी दी गई ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। इसके बाद दोनों पक्ष को पूरी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तेजस्वी को चेताया भी है। तेजस्वी यादव को से जज ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम रहते हुए ऐसे बयान देने चाहिए। तेजस्वी यादव से जो है कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या आप डिप्टी सीएम हैं, आपको इस तरीके का बयान जो है देना चाहिए। सीबीआई को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा था। वहीं बता दें आपको कि इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि इसी के साथ जज ने आगाह भी किया है तेजस्वी को कि आप आगे से ऐसा कोई बयान जो है वो नहीं देंगे। साथ ही कोर्ट ने सही शब्दों का चयन की नसीहत भी दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी द्वारा यह कहने की कोशिश की गई थी कि सीबीआई किसी के निर्देश पर काम कर रही है। तेजस्वी ने एजेंसी की छवि खराब करने की कोशिश की है और इस केस से जुड़े जांच अधिकारी पर दो बार हमला भी हुआ। हालांकि सीबीआई ने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि इसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, नहीं हम इस केस में इसको शामिल कर रहे हैं। तेजस्वी के वकील ने कोर्ट से सीबीआई की अर्जी को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि धमकी नहीं दी थी, सीबीआई का आरोप जो है वो गलत है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव को जो है पे आरोप लगा कि तेजस्वी जो है वो डिप्टी सीएम है और सीबीआई को जो है वो कह रहे हैं कि उनको जो है किसी ऊपर से जो है हमें जांच के लिए जो है प्रभावित किया जा रहा है, जांच के लिए उनके दबाव बनाया जा रहा है। तो कोर्ट ने तेजस्वी यादव को चेताया है और कहा है कि आप इस तरीके का बयान, आप डिप्टी सीएम है, इस तरीके का बयान देना क्या आपके लिए सही है। तेजस्वी यादव को ये कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरीके का बयान जो है वो आप नहीं दे सकते हैं। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।